सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 3 मार्च 2021 को बिहार प्रांत जिला मधुबनी कलुआ पलार गांव के इस मैदान में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी परमात्मा की दया कृपा मेहरबानी कि आप घर से निकलकर सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आप आए। इस समय पर सत्संग में आना, सत्संग का मिलना, यह बड़ा कठिन है, क्योंकि एक तो सत्संग होता नहीं जगह जगह, सत्संग का आयोजन नहीं होता, सत्संग सुनाने वाले नहीं होते, और दूसरे सत्संग में जल्दी आदमी का मन नहीं लगता है। मन कहाँ लगा हुआ है, ढोलक मंजीरा बजाने में, कीर्तन करने में, किस्सा कहानी सुनने में, सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुनने में। क्यों? क्योंकि यही सुनने को जगह जगह मिलता है, जगह जगह इसी कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो मन उधर लगा हुआ है आदमी का। जो सुनता रहता है उसी तरह मन चला जाता है, जो खाता रहता है आदमी मन उसी खाने में ही लगा रहता है, जो काम शरीर से करता है मन वही शरीर से कराता है। लेकिन जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हो जाती है, जब संस्कार जगते हैं, तब सत्संग में खींच करके जीव पहुंच जाया करते हैं। देखो प्रेमी कथा भागवत प्रवचन तो आप सुनते रहते हो, लेकिन उससे आपकी तकलीफें नहीं जा रही। सही बात तो यह है कि जिससे तकलीफ जाए वो दवा खानी चाहिए, वो उपाय करना चाहिए, वो परहेज करना चाहिए, और नहीं तो दवा भी खाते जाओ, परहेज न करो तुम तकलीफ नहीं जाती है। तो ये जो कथा भागवत प्रवचन जगह जगह पर हो रहे हैं, उनसे आदमी के अंदर सुधार नहीं आ रहा, कर्म को समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह का कर्म करना चाहिए। यह हाथ पैर रंग कान किस काम के लिए दिया गया है, अच्छे काम के लिए कि बुरे काम के लिए, जब इसकी जानकारी नहीं हो पाती है तो बजाय अच्छा काम करने के बुरा काम ये शरीर करने लगता है, तो उसका फल मिल जाता है, करने का फल मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। देखो कोई चोरी करता है, डकैती करता है, देखो कोई व्यभिचार कर बैठता है, तो लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, गलत कहते हैं, मौका पड़ने पर जलील कर देते हैं। सरकार को खबर लग जाती है तो नियम यह है कि चोरी डकैती जो करेगा उसको सजा मिलेगी, तो उसको सजा हो जाती है, जेल जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, तकलीफ शरीर को भोगना पड़ता है। कोई अच्छा काम करता है तो उसको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। अब बहुत से लोगों को अच्छे और बुरे का जानकारी नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं मिलता है। पहले के समय में बराबर सत्संग जगह जगह पर होता रहता था, सत्संग से ये लोगों को मालूम रहता था घर में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का उपज क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से जब मिल जाती थी, तो यही ग्रह आश्रम देखो
स्वर्ग जैसा था। आपको प्रेमियों याद होगा कि भाई भाई में इतना प्रेम था त्रेता युग में कि राम के साथ भाई के प्रेम में लक्ष्मण जंगल चले गए थे। इतनी मर्यादा थी कि राज करते मिलते हुए भी भरत अपने बड़े भाई राम को ही अनिराजा मानते रहे। काम काज तो देखते रहे लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे। अनि इतना सम्मान किया। देखो प्रेमियों, पिता के आदेश का पालन किया। किसने? राम ने। राजगद्दी पर ठोकर मार दिया। कितना बड़ा त्याग किया। आज देखो पिता को मार करके जमीन हड़प कर ले रहे हैं, भाई को मार करके जमीन हड़प कर ले रहे हैं, लूट मार करके और फिर अपनी इज्जत बना रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये न समझी है। एक माँ के पेट में दोनों रहे, एक ही माँ ने दोनों को पाला पोषा। अब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रिश्ता है, भाई का खून का रिश्ता है, लेकिन न जानकारी में सत्संग न मिलने के कारण कोई निभा रहा है। देखो पतिव्रता व्रत का कितना पालन किया सीता जी ने। जब हनुमान जी सीता का पता लगाते लगाते अशोक वाटिका में पहुंचे और मुद्रिका यानी अंगूठी गिरा दिया उनके नीचे और वो पहचान गई कि हमारे पति राम का है, तो विश्वास तो हो ही गया कि राम के दूत हैं। अगर वो चाहती तो हनुमान जी के साथ चली आती और हनुमान जी उनको ऐसे हथेली पर बैठा करके आनी समझो ऐसे ले करके उड़ करके चले आते और भगवान राम के सामने ऐसे उनको उतार देते। लेकिन कहीं आई? नहीं आई। एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेमा। पति के पैर के अलावा, पति के चेहरे के अलावा अनी किसी का चेहरा तक औरतें नहीं देखती थी। कितना उनको सताया समझाया, कितना लालच दिया रावण ने सीता जी को कि एक बार बिलोक में मोरा, एक बार मेरी तरफ तुम देख लो। लेकिन तिरंगर और कहीं बह गई, कुछ बात भी करती थी सचिन का उठा करके ऐसे लगा करके आंखों के सामने तब बात करती थी। एकदम से सीधी नजर न पड़े उसके ऊपर। तो आप ये समझो कि जब इस तरह के लोग थे तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। आप देखो कृष्ण भगवान भी आए सबके लिए आए, राम भी आए सबके लिए आए। जितने भी महापुरुष आते हैं सभी लोगों के लिए आते हैं। कृष्ण भगवान ने किस तरह से त्याग तपस्या किया, किस तरह से लोगों को समझाया बताया। जब नहीं माने तब उनको मजबूरन यानी समझ लो कि महाभारत कराना पड़ा। लेकिन दया उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। कहा कि स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया बहुत बड़ा धर्म है, दया धर्म को नहीं खत्म करना चाहिए। अब देखो न जानकारी में अज्ञानता में यही जीवात्मा जो पशु और पक्षियों में है, बकरा मुर्गा में है, उसको लोग काट देते हैं, मार देते हैं और फिर मांस को पका करके खाते हैं। इस पेट को कब्रिस्तान बना दे रहे हैं। कब्रिस्तान पर कोई पूजा पाठ करता है? कोई नहीं करता। कब्रिस्तान पर कैसे भूत बसे था माए, वहाँ भूत बसते हैं। कब्रिस्तान से जब पूजा पाठ कोई करेगा तब वो भगवान खुश होगा, देवी देवता खुश होंगे। जब कोई है तो पत्थर की ही मूर्ति लेकिन उसको मान लेता है कि ये भगवान है ये देवता है, तो भगवान के सामने भगवान के बनाए हुए जीव को काटोगे बलि चढ़ाओगे तो वो खुश होगा कि नाराज होगा?
कहा सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, जितने भी जीव हैं सब उस परमात्मा के हैं। तो जब सब उसके बेटा हैं तो किसी बाप के सामने किसी बेटा को आप काटोगे तो खुश होगा कि नाराज होगा? तो करते तो हैं लोग फायदे के लिए, लेकिन हो जा रहा है नुकसान। देखो प्रेमी, मैं इतिहास के बारे में ही आपको बता रहा था, जैसे और लोग बताते हैं, राम कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, महात्माओं की बात इनको बताते हैं, ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि कृष्ण भगवान ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े रहे कि हम एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। कौन? कौरव। बहुत समझाया, पांडव का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन, लेकिन जब नहीं माने तब उनको महाभारत करना पड़ा। लेकिन दया की बात मैं कर रहा था, दया तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर यह हुआ कि अब महाभारत हो जाएगा, तो सब लोग अपनी अपनी टीम बनाने लगे, अपनी फौज तैयार करने लग गए, राजाओं से मांग करने लग गए कि आप हमारी मदद कीजिए। तो कौरवों की तरफ ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि इनकी सेना भी बड़ी थी, इनका परिवार भी बड़ा था, उनके तरफ ज़्यादा लोग आ गए। कुछ लोग पांडवों के भी तरफ गए, जो धार्मिक लोग थे, अच्छे थे, नेक थे, वो उनकी तरफ गए। लेकिन एक राजा उड़ीवी में थे, उड़ीवी कहाँ है? कर्नाटक। उन्होंने कहा हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जब महाभारत शुरू होने को हुआ तब कृष्ण के पास गए और कृष्ण से कहा, कहा महाभारत तो आप कराने जा रहे हो, लेकिन भूखा मारना बहुत बड़ा पाप होता है, भूखे को रोटी खिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है, और ये दोनों फौज के लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि 11 अक्षौणी सेना को खिलाएगा कौन? ये लड़ाने के लिए, लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन खिलाने के बारे में तो कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई इनकी योजना ही नहीं बन पा रही है कि इस तरह से हम फौज को खिलाएंगे। और एक ही दिन में तो समझ नहीं जाएंगे, मरेंगे 18 दिन के अंदर, आपका जो संकल्प है वो पूरा होगा। संकल्प महापुरुषों का पूरा होता है, महापुरुषों का काम संकल्प मात्र से ही होता है, करते वो हैं, निमित्त किसको बनाते हैं? जैसे राम ने बंदर और भालुओं को निमित्त बनाया, अयोध्या में पढ़े लिखे जोशी विद्वानों ने जब राम का साथ नहीं दिया तो बंदर और भालुओं से काम दिया उन्होंने। जटायु का नाम देखो सोने अक्षरों में लिखा हुआ है रामायण में, जिसको लोग बड़े बड़े विद्वान टीकाधारी सिर पर लगाते हैं, उसमें जटायु का नाम, गिद्ध का नाम लिखा हुआ है, और उसकी महिमा गाते हैं, उसका नाम लेते हैं। सुबह उठ करके जटायु का नाम ले लो, गिद्ध का नाम ले लो, तो कहते खाना नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे लोगों को उन्होंने आगे किया, हम तो सब राम ने किया लेकिन श्रेय उनको दिलाया। इसी तरह से गोवर्धन कृष्ण ने उठाया और श्रेय किसको दिया? गोपी और ग्वालों को दिया। काम सब कृष्ण ने किया, श्रेय किसको दिया? पांडवों को दिया और उनके सहयोगियों को दिया। आप समझो प्रेमियों, देखो आज उन्हीं का नाम है, किसका नाम है? हनुमान का नाम है। पत्थर के ऊपर भी तेल और सिंदूर लगा करके कहीं रख दो तो फूल पत्ते प्रसाद चढ़ने लगता है, राम से अधिक राम करता सा। आप देखो कृष्ण की लीला के साथ साथ गोपी और ग्वालों की भी लीला दिखाई जाती है कि गोपी और ग्वाले हैं या उनका साथ दिए थे। काम तो सब इन्होंने किया, किसने? महापुरुषों ने, लेकिन राम उनका किया, श्रेय उनको दिया। तो कहा उन्होंने उड़ी के राजा ने कृष्ण से कि आखिर आप क्या करोगे? इनको भूखे मारोगे? ये नहीं मान रहे हैं तो इनके कर्मों की जिद की सजा दोगे, और भूखे मारोगे तो आपके ऊपर लांछन लगेगा। तब उन्होंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, आप देखो सुनते जाओ प्रेमी। कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में होगा
कि किस तरह से इनको खिलाया जाए, तभी आप हमसे पूछ रहे हो, आप ही बताओ। तब उन्होंने कहा आप अगर हुक्म करो, आप तो आए हो धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के संहार के लिए आप आए हो, आप अगर हमसे कहो तो हम सबको खिलाएंगे, दोनों तरफ के लोगों को खिलाएंगे, सबके लिए हम भंडारा चलाएंगे, एक को नहीं भूखा रहने देंगे। तो उन्होंने कहा चलाइए, ये नहीं कहा कि मर जाने दो, जैसे आजकल मुर्गी खरीद करके ले आते हैं, पानी चारा तक नहीं देते हैं ये दर्दनाक लोग, वो बसे जब मर ही देना है, पता नहीं कब ग्राहक आ जाए, तो वो दाना भी उतने का दो रुपए का बचाते हैं। लेकिन ऐसे उसमें लोग नहीं थे, कृष्ण भगवान के अंदर दया थी। उन्होंने कहा बिल्कुल खिलाइया, अब देखो खिलाने की हिम्मत किसने किया, खिलाने की हिम्मत उड़वी के राजा ने किया, लेकिन बराबर निर्देश किसका मिलता रहा उनको, कृष्ण का, बोले कुछ नहीं लेकिन समझदारी उनके अंदर दे दिया। अब उन्होंने कैसे पहचाना कि कितने आदमी मरे और कितने रहेंगे, ये कैसे पहचाना, क्योंकि उनके भंडारे की पहचान थी कि न तो कोई भूखा रहता था और न कोई अन्न बचता था, बराबर सब लोगों का पेट भर जाता था, कितना बनता था और रोज मरते थे, तो इसका अंदाजा कैसे लगता था कि कितने मर गए, कितने बाकी हैं, कितने का भोजन हमको बनवाना है। तो महाभारत खत्म हो गया, तब लोगों ने उनसे यही सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि आप को इतने ही लोगों का भोजन बनवाना है और इतने खत्म हो गए जितने कल थे। तो उन्होंने कहा कृष्ण मूंगफली खाते थे, तो जब रात को सोने के लिए जाते थे तो वहाँ पर मैं मूंगफली रख देता था, जितनी मूंगफली वो खाते थे गिन करके रखता था, और जितनी खाते थे उसका 50,000 लोगों के मरने का मैं अंदाजा लगा लेता था और उसी हिसाब से मैं बनवाता था। तो मैं आपको बता रहा था कि काल रूप तिनकर मैं बना था, काल रूप तो थे शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, ये तो था, लेकिन दया भाव उनके अंदर भी था। और देखो अब दया लोगों की खत्म होती जा रही है, दया खत्म होता जा रहा है। देखो आप ये समझो दया ही मांगा किसने, आप समझो कि राम ने भी दया मांगा, राम के अंदर इतनी कला नहीं थी कि रावण को मार सकते थे, जिसके सामने बड़े बड़े देवता मैदान में नहीं ठहर पाते थे, भग जाते थे, रण समूधर का हुन धीरा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा रावण के सामने, यानी समझो राम की शक्ति कम थी। तब उन्होंने परशुराम से दया मांगा, कहा बाप दया कीजिए, हमारे इस काम में मदद करिए, दुराचारी का संहार होना जरूरी है, मैं इस काम के लिए आया हूँ, तो आप हमको दो कला दे दीजिए दया करके। तो दो कला उनके अंदर जो थी वो जब लिया तब मार पाए। आप देखो प्रेमियों, राम अगर ये चाहते पूछो कि सर्वशक्तिमान होते पूछो, तो वो अन्य बाली को पेड़ के ओट में खड़े होकर के क्यों मारते, सामने से मारते, लेकिन छुप करके मारा, मारना भी जरूरी था, और उसके सामने अपने बल को, जो ताकत थी बल थी उसकी कमी भी नहीं होने देना था, नहीं तो मार न पाते। अब इतनी ज़्यादा शक्ति अगर होती तो सीधे मरते। कहने का मतलब यह है कि हमेशा दया लोग मांगते रहे। जब भगवान कृष्ण को महाभारत कराना हुआ तो गुरु से उन्होंने दया मांगा, जैसे राम ने दया मांगा, यानी मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, अटला घाव उठाए धन लीन्हा, गुरु को प्रणाम करके जब दया मांगा और उनकी दया लिया, शक्ति जब इनको मिली तब उन्होंने धनुष को तोड़ा था। ऐसे ही प्रेमियों समझो आप, तो सुपच से कृष्ण जी ने दया मांगा, कहा बाप दया कीजिए, हमारे ऊपर दया कीजिए,
आप जो सबके ऊपर दया कर रहे हो, हर जीवों पर दया कर रहे हो, उस दया को अब आप समेटो, तब इन दुराचारियों का संहार होगा। और नहीं तो आप जब सब पर अपना ही जीव मान करके, प्रभु का जीव, ईश्वर का ही अंश मान करके जब दया करते रहोगे तो अधर्म का नाश नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी। इसलिए अपने शक्ति को आप अब समेटो। प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि दया को तो बहुत बड़ा धर्म समझना चाहिए। कहते हैं ना कि क्या लेकर तुम आए जग में, क्या लेकर तुम जाओगे, यानी समझो दुनिया की कोई चीज आप लेकर जा नहीं सकते हो, और देखो माँ के पेट में से कोई चीज लेकर आए नहीं हो, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे, यानी समझो इतने पतले रास्ते से अंदर पिंड में ये भगवान की अंश जीवात्मा जो शरीर को चलाती है, ये जब डाली जाती है तो बहुत ही यानी पतला सूरा पतला रास्ता होता है, और जिधर से ये डाली जाती है उसी रास्ते से निकलती है। तो इन आँखों से देखने वाली चीज़ों को तो उधर से ले नहीं जा सकते हो, और लेकर तो आए हो, कहाँ लेकर आए, कोई अटैची बैग लेकर आता है माँ के पेट में से कि सूट वूट पहन कर आता है, चाहे राजा कलर का हो, महाराजा का हो, मंत्री प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, किसी भी देश के, सब नंगे पैदा होते हैं। लेकिन जो भी बच्चे पैदा होते हैं मुट्ठी बांध कर पैदा होते हैं, मुट्ठी में लाते हैं सार पदार्थ का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो कि यह किस काम के लिए दिया गया है, इसका अर्थ समझो। खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला या और किसी काम के लिए मिला, आप ये समझो कि जिस काम में आप सब लोग लगे हुए हो, खाओ पियो, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। तो आपका ये जो शरीर देव दुर्लभ शरीर बताया गया, देवता जिसके लिए 24 घंटे उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर दे दीजिए कि जिससे हम अपना काम बना ले। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है, जिस काम को आप करने में लगे हुए हो आपका काम नहीं। कहते तो है हमारा घर, हमारा घर है, हम इसमें रहेंगे, घर बनाते हैं लोग, हम इसमें रहेंगे। तो जब घर में रहना है तो दरवाज़ा क्यों लगाते हो, अरे रहने ही है आपको तो दरवाज़ा क्यों लगाते हो, आखिर में उसी दरवाजे से एक दिन आपको लोग बाहर निकाल देंगे। और इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं, इसको लोग मिट्टी कहने लगेंगे, घर के लोग भले न कहें लेकिन पड़ोसी और रिश्तेदार कहने लगते हैं, भैया जल्दी करो जल्दी करो, ले जाओ शमशान घाट, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, इसको मिट्टी कहने लगते हैं। जिस खेत को आप जोतते बोते हो, अनाज पैदा करते हो, कितने लोग आए जोते बोए खाए और चले गए, वो भी तो यही कहते थे मेरा खेत है मेरी जमीन है, रुपया पैसा बाप दादा भी यही कहते रहे मेरा है मेरा है, किसी का कुछ रहा, ये तो अपना काम है ही नहीं। इस शरीर का काम क्या है, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाओ जिसकी ये अंश है, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। अब देवता क्यों तरसते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे उस परमात्मा तक अन्य जीवात्मा को पहुंचा सकें, आपके अंदर है इसलिए वो तरसते हैं देवता। तो आप ये समझो कि जो काम पशु और पक्षी नहीं कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वो रास्ता वो शक्ति आप इस शरीर के आपके शरीर के अंदर है, तो वही काम जो पशु और पक्षी करते हैं वही काम अगर आप करते रहो तब तो आपको तकलीफ झेलना ही पड़ेगा, तब तो आपको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। जब तक यहाँ रहोगे कर्मों को नहीं समझ पाओगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो इस शरीर से करते रहोगे बुरे कर्म, तो यहाँ तो ठोकर खाओगे ही, यहाँ तो अपमान झेलोगे ही, यहाँ तो मार खाओगे ही, जेल जाओगे ही। लेकिन जब ये शरीर छूटेगा तब इस जीवात्मा को भी यमराज के सामने पेश होना पड़ेगा,
जिसके पास पूरे जिंदगी का लेखा जोखा अच्छे और बुरे का होता है। आप बहुत से लोग कहते हो आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको नहीं मालूम है, जिसको नहीं देख पा रहे हो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को एक क्षण नहीं कि बंद करे, सब देखता ही रहता है बराबर। उसी आधार पर सजा मिल जाती है, नरकों में जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ता है, जान बचानी पड़ती है। ने आदमी बैठे हो, अभी एक सांप उधर से आता हुआ दिखाई पड़े, एक आदमी की हवा नहीं मिलेगी, सांप भागोगे। कितना मैं कहूँ ठहर जाओ कुछ नहीं होगा, नहीं बोलेगा, लेकिन कोई नहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि जहर है, काट लेगा, मर जाएंगे, बिच्छू दिखाई पड़ जाए सब भगोगे। लेकिन बिच्छू सांप ये जहरीले जानवर ये अपनी जान बचाते हैं, आदमी सामने दिखाई पड़ जाए तुरंत रास्ता बदल देते हैं। तो इन्हीं सब योनियों में प्रेमियों बंद होना पड़ता है, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो चूकने की जरूरत नहीं है, देखो ये दिन और रात जो आते हैं ये सांसों की पूंजी को खत्म कर दे रहे हैं, और आपको गिन करके सांस मिला हुआ है, जैसे खत्म हो जाएगा ये सांस तैसे गिर जाओ। वो इंतजार करेगा कि ये घर पहुंच जाए तब खाली कराऊं मैं? नहीं इंतजार करता, कहीं भी रहोगे गिर जाओगे, प्राण निकल जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर को जो गिद्ध और कौवा होते हैं वो खाने लगेंगे। जो आज डरते हैं, गिद्ध और कौवा आदमी को देखें तो भागते हैं, हाथ उठा दो तो भागते हैं, कोई गिद्ध और कौवा खाने लगेंगे, है ना? कि कहने बैठन लागे काम, कौवा बैठने लगते हैं शरीर के ऊपर, खाने लगते हैं, तो इसकी कोई कीमत प्रीमियम नहीं रह जाती है। तो जब तक समय है आपका तब तक आप अपना काम कर लो। यह भी याद रखो ये दिन रात जो आते हैं ये क्या हैं? ये चूहे हैं, उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। तारीख बदलती, महीना बदलता, उसी हिसाब से समझ लो कि उम्र ख़त्म होती जा रही है। जो चीज़ सत्य है उसी को आप भूल गए। क्या सत्य है? मौत सबकी होनी है। देखो तो कितने लोग आए, राजा महाराजा चाहे जो रहे हों, सबकी मौत हो गई, सबको जाना पड़ेगा, ये मृत्युलोक है, इसको खाली करना पड़ेगा, ये सत्य है। और कौन सत्य है? परमात्मा सत्य है। सत्य चीज कभी ख़त्म नहीं होती, सत्य हमेशा सत्य रहता है, असली असल रहता है सत्य में, सत्यता में असलियत होती है। और जो झूठ बोलता है यानी समझो हमेशा यानी फेल होने को रहता है उसको, और जो सत्य बोलता है सत्य तो सत्य है। तो सत्य कौन है? परमात्मा है, जो सबके काम आता है। और जो असत्य है, जो झूठा है, जो नकली है, वो आदमी के काम नहीं आता है। झूठ बोलने वाले की आदत होती है सबसे झूठ बोलता, आपसे भी झूठ बोल करके आपको धोखा दे देगा, लेकिन सत्य बोलने वाला हमेशा आपका साथी रहेगा। तो प्रेमियों कहने का मतलब है कि हमेशा मौत को सामने रखो, पता नहीं कब खत्म हो जाए। अब इस बात को समझो कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए यह मनुष्य शरीर जब मिला नहीं तो और कोई काम के लिए मिला होगा। किस काम के लिए? इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ये मिला। जो हमेशा अनादवेद बाणी हो रही, आवाज़ हो रही है, आसमानी आवाज़ हो रही, उसको सुनने के लिए मिला। तो आपको इस मनुष्य शरीर का मतलब समझना चाहिए, अर्थ यानी समझो इसका है किसका, मनुष्य शरीर पाने का अर्थ यह है। अर्थ धर्म, धर्म क्या है? जीवात्मा की रक्षा करना, जीव की रक्षा करना, ये नरकों में न जाने पावे। और अर्थ धर्म काम, काम किसको कहते हैं? असली काम यही है कि इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए जलाने के लिए, 2 दिन लग जाए, वापस लाता है? नहीं लाता, जला करके ही आता है।
ऐसे ही ये जीवात्मा जब तक अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुंचे, तब तक ये जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकती। आप देखो, जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है और मरते वक्त भी तकलीफ होती है। बच्चा क्यों रोता है? कोई बच्चा हंसता मुस्कुराता पैदा हुआ? सब रोते हुए पैदा होते हैं। एक तो जब माँ के पेट में रहता है तो भगवान का दर्शन होता रहता है, माँ के पेट से जब बाहर निकलता है तो ये काल और माया का देश है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को माया कहते हैं। देखो इन्हीं का इस समय जोर है, इसी के दोनों के पीछे आदमी देखो भग रहा है, दौड़ रहा है, धर्म कर्म को सब को नष्ट कर दे रहा है, पापी पेट के लिए अपने ईमान धर्म को बेच दे रहा है, मार काट रहा, लूट पाट कर रहा है, इसी दोनों के पीछे दुनिया परेशान है। तो माया का ये लोक है, माया का पर्दा पड़ जाता है, दर्शन होना बंद हो जाता है। दूसरे माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो ये जो चुमड़ियाँ हैं बहुत मुलायम रहती, ये हवा जो गर्म है और ठंड है ये इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सुई चुभ रहा है। तब रोता है, दो कारण से रोता है। आखिरी वक्त पर तो रोता है जो अपने इस मनुष्य शरीर का पाने का मतलब नहीं समझते, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते। खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छा गाड़ी घोड़ा में चलो, इसको सुख पहुंचाओ, इसी के लिए जो सब कुछ करते रहते हैं, आखिर में उनकी आत्मा को जमराज के भयंकर दूत जब आते हैं थोड़ी मोटर लेकर के आवाज़ लगाते हैं, कान का पर्दा फट जाता है, मुंह से आवाज़ ठीक से नहीं निकलती, जबान तुतली हो जाती है, और जब मार मारते हैं तो हड्डी हड्डी चटकती है, तब रोता और चिल्लाता है। जन्म मरण की पीड़ा से अगर बचाना है और बचना है आगे, तो इस जीवात्मा को शरीर के रहते रहते परमात्मा तक पहुंचा दो, फिर ये नीचे नहीं आएगा। अब आप कहोगे भाई होगा कैसे, ये परमात्मा तक जीवात्मा कैसे पहुंचेगी, कैसे घर में सुख शांति आएगी, परेशानी नहीं दूर होगी, तो भगवान हमको याद नहीं आएंगे, परेशानी कैसे दूर होगी, और भगवान से मिलने का रास्ता कौन बताएगा? तो आप ये समझो कि वो रास्ता भी बताया जाएगा। देखो प्रवचन होता है, कथा भागवत होती है, तो बताते तो हैं लोग कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ जाओगे, और बुरा कर्म करोगे तो नरक चले जाओ। अब मान लो कोई नहीं जानता था, बुरा कर्म में ही लगा रहा, और कथा सुनने के लिए आया, भागवत सुनने के लिए आया, प्रवचन सुनने के लिए आया, तो वो तो कहेगा भाई हम बचेंगे कैसे नरक जाने से। अब कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर जब वापस आ जाता है भूला नहीं कहलाता है, तो हम तो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं, नरक से कैसे बचेंगे? अब जिसको नहीं मालूम है वो क्या बताएगा रास्ता कि नरक से कैसे बचेंगे? समझो जो नरकों का की बात बतावे, स्वर्ग की बात बतावे, यानी वो स्वर्ग और वैकुंठ पहुंचने का रास्ता भी बतावे, और समझो कि यानी नरकों से बचाने का रास्ता भी बतावे, तो रास्ता बताने वाले को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। यानी काम सिखाने वाले को गुरु कहते हैं, रास्ता बताने वाले को गुरु कहते हैं। कहते हैं इन्होंने हमको ऐसा रास्ता बताया है कि जिससे हमको सुख शांति मिल गई, इन्होंने हमको बता दिया हमारा बिजनेस चल गया, ये हमारे व्यापारिक गुरु हैं, ये हमारे नौकरी के गुरु हैं, इन्होंने हमको काम करना सिखाया, इन्होंने हमको खेती करना सिखाया, इन्होंने ABCD हमको पढ़ाया, ये हमारे गुरु हैं। तो जो रास्ता बताता है, ज्ञान कराता है, उसको गुरु कहते हैं। अब आप समझो जब कोई गुरु मिलेंगे तभी तो रास्ता बताएंगे। आप समझो जब कोई ये बताएगा, गुरु मिलेगा कि भाई इस तरह से तुम अपना खान पान रखोगे, चाल चलन रखोगे, विचार भावना रखोगे, तब तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी, और उसके बताए अनुसार चलोगे और रास्ता मिल जाएगा आपको सुख शांति का, तो उसको क्या कहोगे? गुरु ही तो कहोगे।
ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं, लेकिन गुरु गुरु में भी फर्क होता है। आप कह दो भाई गुरु करना चाहिए, गुरु सब लोगों ने किया, और गुरु न करने वाले को तो कबीर साहब ने कहा का निगुरा मुझको न मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी का बात, लाख पापियों का बोझा निगुरा के सिर पर होता है, तो निगुरा तो मुझे नहीं रहना है, गुरु करना है। तो चलो किसी को भी गुरु कर लें, लेकिन जिसको जितनी जानकारी होगी उतना ही तो आपको बताएगा। कोई पांच दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर जी को कहो कि हमारे लड़के को आप पढ़ा करके इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, कैसे बना पाएगा। कहो 12 दर्जा पास करा दो मेरे लड़के को पढ़ा करके, कैसे पास करा पाएगा। अब आप ये समझो गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। गुरु जो कुछ भी काम दुनिया का बता दें, कुछ भी बता दें करने का, यानी समझो कि उनको गुरु कहते हैं। जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं ऊपरी लोकों का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, शिवलोक का, ब्रह्मा लोक का, विष्णु लोक का, अन्य 33 को दुर्गा 10 को शंभू हैं, उनकी जो जानकारी रखे वहाँ तक पहुँचा दे, अरिमा गरिमा महिमा लोहमा सिद्धिया जो प्राप्त करा दे, यानी समझो कि वो गुरु भी कहलाते। लेकिन जो सदगुरु होते हैं जिनकी पहुँच सतलोक तक की होती है, जहाँ तक यानी ये जीवात्मा पहुँचने के बाद फिर नीचे नहीं उतरती है, दुख के संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आती है, यानी वहाँ तक जिनकी पहुँच होती है, वहाँ तक का जो रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं, भटको तो उंगली पकड़ करके सहारा दे करके मंजिल तक पहुँचाते हैं, वो तो सदगुरु हुआ करते हैं। पहले के समय में भी गुरु थे, देखो भगवान राम ने भी गुरु किया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया, और भी जो लोग आए सब लोगों ने गुरु किया, गुरु पहले भी रहे, संत रूप में भी लोग रहे, लेकिन गुरु का ज्ञान देने वाले इन लोगों के ऊपरी लोकों तक भी जो गए वो लोग भी सतलोक पहले नहीं पहुंच पाए थे। जब कलयुग में आप ज़्यादा करने लग गया जीव, नरकों में जब ज़्यादा भीड़ होने लग गई, नरकों में जब जीवों के ऊपर मार पड़ी, तब वो आवाज़ लगाए चिल्लाए, तो नरकों में तो कोई बचाने वाला होता नहीं, मार पड़ती है तो सौ सौ कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता, क्योंकि वो इतनी गंदी जगह है कि उधर कोई जाना ही नहीं पसंद करता है। आप देखो जो कुछ भी नहीं जानता, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी कहीं प्रवचन सुने हैं, तो वो भी उससे भी पूछो कि नर्क जाओगे, तो कहते कि नर्क नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाओगे, हाँ स्वर्ग जाएंगे, तनिक भी कोई अगर सुने हुए। अब आप सोचो कि नरकों का वर्णन कर दिया जाए या नर्क के बारे में जिसको जानकारी हो जाए, तो वहाँ तो कोई जाना ही नहीं पसंद करेगा। तो नरकों में जब मार पड़ती, सजा जब यानी भोगना पड़ता है, तब आवाज़ लगाता है, रोता है, तो कहते जिसका कोई नहीं होता है उसका वो परमात्मा होता है, इसीलिए कहा गया मत सता गरीब को, रो देगा और जब सुनेगा उसका मालिक जड़ से खो देगा। इसलिए तो कहते हैं कि बांध करके मारते हो, बकरे को बांध के मारते, मुर्गे को पकड़ करके मारते हो, ऐसे नहीं मार सकते हो, भगने लग जाए तो कहते हैं कि भाई जब वो बेहवल हो जाता तब उसको मारते काटते हो, कोई सहारा नहीं, आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, गुहार लगाओगे, 10 आदमी दौड़ करके आ जाएंगे, और मुर्गा का साथी, मुर्गे की माँ, मुर्गे का बेटा, हनी देखता है तो भगता है, चू चू करता हुआ बेचारा अपनी जान बचाता है, तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका वो परमात्मा होता है। नरकों में जब मार पड़ी और जीव चिल्लाए, तब वो द्रवित हो गए, द्रवित किसको कहते हैं, दुखी हो गए, इसीलिए उनका नाम दीन बंधु रखा गया, दीनानाथ रखा गया, गरीब परवर उनको लोगों ने कहा। तो ऐसी दशा देख जीवों की, संत पुरुष ने की दया महान, और संत रूप हुए जग में आए, सत लोग का पता बतान,
सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चल चल पहुंचे अगम ठिकान। संतों का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले संत कौन थे? कबीर साहब। आप समझो कबीर साहब आए तो कबीर साहब के भी बहुत शिष्य थे उसमें, लेकिन उन्होंने अधिकार किसको दिया नामदान देने का? यानी समझो ये जीवों का काम करने का अधिकार किसको दिया? नानक साहब। नानक साहब के समय से ही यानी गुरु लोग आते रहे, अधिकार एक दूसरे को देते रहे। आप ये समझो कि शिष्य तो उनके बहुत थे, लेकिन अधिकार उनको दिया जो उसके पात्र थे। आप ये समझो कि अधिकार किसको मिलता है? उसी को मिलता है जो माँ के पेट से ही बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके संस्कार अलग होते हैं। उनके पास संतों के पास, मौजूदा संतों के पास पहुँच जाते हैं और उनसे रास्ता ले करके अपनी आत्मा को जगा लेते हैं, परमात्मा तक पहुँचा देते हैं, तब वो उनको अधिकार दे देते हैं। ऊपर से ही हुक्म होता है कि अब तुम इनको अपना पावर दे दो और आप अब तैयारी करो आने का। इधर शरीर अब आपका बुढ़ा हो गया, अब आप शरीर को छोड़ दो, या उनकी ही इच्छा हो जाती है, पूछ लेते हैं शरीर काम नहीं कर रहा है तो अब हमको क्या करना चाहिए, तो हुक्म हो जाता है। या खुद विवेक से ही सोच लेते हैं तो भी वो उनके काम में दखल नहीं डालते हैं। वहाँ पहुँच जाने के बाद यानी समझो वो हर चीज़ को समझ जाते हैं, जो मौजूदा संत होते हैं वो हर चीज़ को समझ जाते हैं कि किससे जीवों का भला होगा, कौन ऐसा है। तो उन्होंने किसको अधिकार दिया? नानक साहब को। नानक साहब एक दूसरे को अधिकार देते चले आए। फिर उनके सबसे छोटे जो यानी समझो गुरुओं में हुए वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो दौरा करते रहते थे संत लोग, साधु लोगों को दौरा करते रहने से ही ठीक रहता है। एक जगह रुकने से गंदगी फैलती है। देखो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो बदबू उसमें आएगी, सड़ेगा। पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो सड़ेगा। देखो रुपया पैसा इकट्ठा जब हो जाता है तो उससे भी अच्छे बुरे काम आदमी करने लग जाता है। सलाहकार बुरे काम करने के लिए कराने के लिए मिल जाते हैं तो वो उसमें बुराई में वो लक्ष्मी को खर्चा कर देता है। इसीलिए कहा गया खावत खर्चत मुक्त दे संचित नरक द्वार। खाते रहो, खर्च करते रहो, अच्छे काम में लगाते रहोगे तो लक्ष्मी आती रहेंगी, बुरे काम में मत लगाना नहीं तो चली जाएंगी। इसीलिए तो सत्संगों में ये बात बताई जाती है, सुनाया जाता है। ऐसे ही साधु अगर एक जगह पर रुक जाएं तो गंदगी आ जाए, चलते रहेंगे तो गंदगी नहीं आएगी, मन नहीं खराब होगा, चलते रहते थे। और अगर न जाएं संत एक जगह से दूसरी जगह तो वहाँ सब लोग पहुँच नहीं सकते थे। अब ये जरूर है कि जहाँ जितना साधन जब था उस हिसाब से अपने साधन से लोग चलते थे, घोड़े से, बग्घी से, ऐसे पैदल चल चल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा करते थे। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली तो अब तो बहुत साधन हो गया, हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये गाड़ियाँ हो गई। हमारे गुरु महाराज हमारे सामने ही यानी पाँच पाँच कोस, चार चार कोस पैदल रास्ते से जा करके और प्रेमियों के बीच में नामदान दिए। आप ये समझो ये जो बैठे हुए हैं नए प्रेमी जो आप आए हो, ये सब गुरु महाराज का ही बगीचा के फूल हैं, ये वही हैं, बगीचा उन्होंने ही लगाया। तो आप ये समझो चलते रहते थे तो पहुँचे वहाँ, गए उधर महाराष्ट्र में पूना। तो राजा संस्कारी होते ही राजा की आदत जब शरीर से बिगड़ जाती है तब उनका संस्कार कम हो जाता है, नहीं तो शुरू में संस्कारी रहते हैं। ये होते कौन है राजा? स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माएं होती हैं, वहाँ पर कुछ समय तक रहते हैं जब तक उनका पुण्य रहता है। और पुण्य क्षीण मृत्युलोक है, पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृत्युलोक में आना पड़ता है, माँ के पेट में 9 महीना रहना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जिनको छोटा आदमी कहते हो, गरीब आदमी कहते हो, उनके यहाँ वो जन्म नहीं लेते हैं, राजा महाराजा के यहाँ ही जन्म लेते हैं।
तो राजा घराने में भी संस्कारी थे। जैसे देखो राजा जनक, वो विदेही कहलाया गया। विदेही किसको कहते हैं? शरीर तो रहे लेकिन शरीर का होश ना रहे, जीवात्मा ऊपर निकल गई, ऊपरी लोकों में चली। कुछ दूर तक तो याद रहता है, कुछ दूर तक तो ऊपर से दिखाई पड़ता है कि देखो ये हमारा शरीर बैठा हुआ है। लेटे लेटे अगर कोई ध्यान लगा रहा और जीवात्मा निकल गई तो कुछ दूर तक तो दिखाई पड़ता है कि देखो ये पड़ा हुआ है शरीर। उसके बाद में फिर नहीं दिखाई पड़ता। जब और ऊपर लोकों में चले जाओ तब नहीं दिखाई पड़ता। तो राजा लोगों में भी विदेही हुए। राजा जनक निकल जाते थे ऊपरी लोकों में, शरीर का कोई ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं रहता था। सड़न गलन बदबू इसमें नहीं आती है जीवात्मा जब निकलती है, क्योंकि 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्रकार के प्राण इसमें बराबर रहते हैं। और जब शरीर छोड़ने को होता है तब वो उनका चिंताव होता है, तब ये पैर हाथ सब ठंडे पड़ जाते हैं। इनकी नसें जो हैं वो सब एकदम से निष्क्रिय हो जाती हैं, कोई काम नहीं करते। तो पहुँचे तो उन्होंने नाम दान दिया। तो उन्होंने अधिकार किसको दिया? ये रतन राव जी वो थे मराठा पेशवा परिवार के, उन्होंने लिया था नामदान। फिर उन्होंने किसको दिया? अपने ही परिवार के थे अनुषी, मतलब ये कि मराठा के ही मराठा वो भी थे पेशवा परिवार के, श्यामराव जी, श्यामराव को दिया। तो श्यामराव को लोगों ने परेशान बहुत किया। अक्सर ये देखा गया कि महात्माओं को समय पर लोग नहीं पहचान पाते, औदारिक शक्तियों को लोग नहीं पहचान पाते। आज जिस तरह से आप भगवान राम को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, उस समय पर आप ये समझो अगर लोग मानने लगते, उनको जानने लगते तो जान दे देते कि राम को जंगल नहीं जाने देंगे, कृष्ण को हम द्वारिका नहीं जाने देंगे, भगने नहीं देंगे। लोग जान दे देते जिस तरह से आज प्रेम में हैं, जिस तरह आज प्रेम करते हैं, कोई राम के खिलाफ कृष्ण के खिलाफ अगर बोल रहे तो मार देने, जान ले लेने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो पहचान नहीं पाए, महापुरुषों को नहीं पहचान पाते। काम करके जब चले जाते हैं, उसका फायदा जब मिलने लगता है, तब उनकी मूर्तियाँ बनती हैं, उनका समाधि बनता है और उनके नाम पर लोग नाम कमाते हैं, स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यह हमेशा रहा, कोई नई चीज़ नहीं है। पलटू साहब ने इसीलिए तो कहा, पलटू नाहक भोगता सार देख कर स्वान, जगत भगत सोबह रहे चार जू पन्मान। यह हमेशा रहा। तो वो भग करके चले आए वहाँ से, हट जाते। गुरु महाराज के गुरु दादा गुरु, जिनको हम आप बहुत से लोग जानते हैं, कहते हैं आप समझो कि जब वो शरीर छोड़े तो झगड़ा झंझट वहाँ गुरु महाराज के यानी गुरु भाइयों ने शुरू किया, गद्दी के लिए, संपत्ति के लिए, उसके लिए। तो गुरु महाराज छोड़कर चले आए, छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देनी चाहिए जहाँ से झगड़ा झंझट की संभावना हो, गुरु का नाम खराब होने को हो, जगह छोड़ देनी चाहिए। तब काम आदमी करने का संकल्प बनाता है, गुरु की दया होती है तो सब जगह कामयाबी मिल जाती है। चले आए उधर, गए इधर हाथरस, फिर वहाँ से आने जाना उधर उनका रहा। फिर वहाँ गए हुए थे कहाँ, आगरा की तरफ। तो समझो शिवराया जी महाराज को अधिकार दिया, गरीब साहब हुए वो, उनको अधिकार मिला। शिवराया जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत को चलाया, उनको अधिकार मिला। फिर उन्होंने किसको अधिकार दिया? विष्णुदयाल जी महाराज को। विष्णुदयाल जी महाराज ने भोलेलाल जी महाराज को अधिकार दिया जीवों के संभाल का। और फिर उन्होंने गुरु महाराज को संभाल के लिए आदेश दे दिया। ये अरे ये नहीं, जिनका फोटो है वो आपको बताया ना कि चले जाते हैं सब लोग, फोटो लगाते हैं, चले जाते हैं, समाधि बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, चले जाते हैं, उनके नाम का मठ बनाते हैं। तो अब आप ये समझो कि रहने पर जब वो मौजूद रहते हैं शरीर में, तब तो समझो कि पूरी उम्मीद रहती है कि ये हमको कुछ कह करके दे सकते हैं मुँह से। लेकिन चले जाने के बाद तो बस दे सब कुछ रखते हैं, लेकिन जो वो रास्ता बता के जाते हैं। फिर मैं आप समझो इस बात को, ध्यान लगाने का रास्ता जैसे गुरु महाराज ने बताया, आँख बंद करो ध्यान लगाओ। अब जब ध्यान लगाओगे
और गुरु के रूप को अंतर में देखोगे तब आपको गुरु को देंगे और तब भी आपको गुरु के ऊपर विश्वास होगा। नहीं तो हनुमान के शरीर में विश्वास नहीं होता है। यह तो कहा था कबीर साहब ने रानी इंदुमती से, रानी इंदुमती ने नामदान लिया, भजन किया, देखा जब सचखंड पहुंची, सतलोक में पहुंची, देखा कि यही सब कुछ कर रहे हैं, तब बोली आप हमको मृत्यु लोक में बता दिए होते, मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने यही कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, मदद करके तेरी सब जगह जहाँ जहाँ अड़चने थी मैं खड़ा मिला तेरे लिए और ला करके तुझको ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि आपको जो गुरु महाराज के नामदानी हो, फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फोटो तो इसलिए लगाया जाता है कि संत मत में गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, सबसे पहले गुरु का ही ध्यान किया जाता है, गुरु ही सब कुछ होते हैं, सृजनहार होते हैं, लोक पर लोक बनाने वाले गुरु ही होते हैं, तो गुरु का फोटो लगाया जाता है। और ध्यान करते समय गुरु का रूप याद नहीं आता है, चेहरा याद नहीं आता है, तो फोटो देख करके याद किया जाता है। लेकिन आप जब ध्यान लगाने लगोगे, गुरु का दर्शन अंतर में होने लगेगा, तो एक तो ये विश्वास हो जाएगा कि यही सब कुछ हैं, और छोड़ करके भी शरीर चले गए तो भी ये हमारे रक्षक हैं, तो भी ये हमको अपने पास ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, गुरु पर एक तो विश्वास हो जाएगा। फिर गुरु के एक एक वचन पर, एक एक बातों पर आप मरने मिटने कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओगे। तो आप प्रेमी उस बात को समझो कि चले जाने के बाद भी उनके आपके अंदर आस्था प्रेम जो पहले था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर आपको फोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर तो आँख बंद करो और गुरु का दर्शन अंतर में करो। तो ये जिनका फोटो लगा हुआ है, ये गुरु महाराज बहुत से जीवों को नामदान दिए, धरती पर जितने भी संत आए उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर के जितने लोगों को नामदान नहीं दिया और निज घर नहीं पहुंचाया, गुरु महाराज ने नामदान देकर पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं, क्योंकि इस समय तो सब दुखी हैं, ना न दुखिया सब संसार का, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद। अब बहुत से लोग कहते हो कि मैं गरीब हूँ, अब जो अपने को गरीब नहीं कहते हो आपको लोग गरीब कहते हैं, बहुत से लोग जो अमीर हैं, लेकिन आप तो दिन में कमाते हो, रात को खा करके आराम से सो जाते हो, आराम की नींद सोते हो, लेकिन जो लोग आपको गरीब कहते हैं, अपने को अमीर समझते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। आपको याद होगा प्रेमी, नोटबंदी, जो 1000 रुपया 500 रुपये का नोट रखने वाले थे बहुत से लोग भूखे रह गए, और जो 10-10, 20-20 रुपया 50 रुपया रखने वाले थे उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, सारा सामान खरीद करके ले आते थे। अब जहाँ तक ये शांति वाली बात है, नींद ना आने वाली बात है, वो भी बता दें, एक सेठ को नींद ना आवे रात में, परेशान रात भर टहले कमरे में, उठे बैठे 3 दिन जब हो गया, लड़कों को पता चला कि पिताजी सोते नहीं रात को, तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा क्या हो गया सेठ जी को, सुबह सुबह ले आए, लड़के ने कहा नींद नहीं आती है। अरे तो नींद की गोली दे दी होते, सेठ जी तो पहले भी कभी कभी नींद की गोली खाते थे, सेठों का मन कहाँ लगा रहता, रुपया पैसा तो पकड़ के ले गए ना जमदूत, बहुत रोया गिड़गिड़ाया, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़े, छोड़ने वाले थोड़ा होते, तो यमराज के सामने खड़ा किया, कहा चलो तुमको जो कुछ कहना होगा उनसे कह लेना। फिर तो जब यमराज ने कहा कहाँ जाओगे, अच्छा बहुत रो गिड़गिड़ा रहे हो, नर्क भेजें कि स्वर्ग भेजें, कहा नर्क स्वर्ग से हमसे कोई मतलब नहीं, जहाँ 10-20 रुपया का गुंजाइश हो, फायदा हो वहीं भेज दो। लगाया थप्पड़ जमदूत ने कि जो पूछते हैं वो नहीं बता रहा है, बता कहाँ जाएगा, तो कहा कि अच्छा हमको वहाँ बॉर्डर पर बैठा दो नर्क और स्वर्ग के,
वहीं पर हम दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आते रहेंगे। तो सेठों का मन कहाँ लगा रहता है रुपया पैसा, ऐसे रुपया पैसों मन लगा रहता था, कहाँ रखें, कहाँ संभालें, कैसे बचाएं, क्या करें। जब नोटबंदी हो गई, नींद ना तो कहा कि नींद की गोली दे दिया होते डॉक्टर ने कहा। लड़के ने कहा तीन तीन गोली दे दिया, नींद नहीं आई। डॉक्टर भी सोचने लगा कौन सी दवा दें। तब तक लड़का बोल पड़ा चौथी गोली दे दें, चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे, लेकिन ये उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह गए। यही तीन गोली बहुत ज़्यादा हो गई, ओवरडोज हो गया। तो अब आप ये समझो कि उनको नींद नहीं आ रही, सब दुखी। आप ये समझो कोई चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, इसी में बता दूंगा। जो लोग बैठे हैं, एक दो को नहीं, 10, 20, 25, 50 को बता दूंगा कि इनके घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। तो ये तो हो गई आम बात। हमारे गुरु महाराज के पास भी हर तरह के लोग आते थे और मेरे पास भी हर तरह के लोग आते हैं। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर जिसको कहते हो, बड़े बड़े नेता, यानी वहाँ केंद्र के, यहाँ प्रांतों के मुख्यमंत्री, और आप ये समझो कि हाई कोर्ट के जज वगैरह सब आते हैं हमारे पास। कोई हमसे डर के नहीं आते, प्रेम में आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो तो दुख तकलीफ लेकर आते हैं, तो एक आए और उन्होंने कहा आपसे अकेले में बात करेंगे। मैंने कहा आइए। गए, बोले सब जगह जीत कर आता हूँ, और घर में जैसे पहुँचता हूँ तैसे चित हो जाता हूँ, मैं तो घर वालों से ही हार गया, बहुत परेशानी है। अब आप बताओ हमको क्या करना चाहिए। तो अब आप ये समझो कि सब लोग दुखी, सब परेशान हैं। तो आपसे अगर कहा जाए कि भगवान से मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सब हाथ उठा दोगे। लेकिन कहा जाए कि भगवान तो तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग जो मांस मछली अंडा वगैरह डाले बैठे हो, जो अंदर गंदगी भरे हुए हो, वो तो लोग कहोगे ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए, भूखा मार डाले, पहले हमारा पेट भरने वाला भगवान चाहिए। और कुछ लोग कहोगे भाई भगवान से ही कह दो पहले मेरा पेट भर दें, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए चार पाइप पर पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, भगवान पंखा झलते रहेंगे, तुम्हारा हाथ पैर दबाते रहेंगे। कहोगे नहीं भाई भगवान से ही कह दो हमको स्वस्थ कर दें, चलने फिरने लायक मैं हो जाऊं, तो मैं भगवान की सेवा करूंगा। कह दिया जाए ऐसा अपमान किया जाएगा, ऐसा बेइज्जती किया जाएगा, तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे समाज में, लोग तुम्हारा मुंह देखना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे। तब कहोगे नहीं भगवान से कह दो हमको इज्जत के साथ रखें, जब तक हम रहें इज्जत से रहें, इज्जत के लिए ही सब कुछ काम करते हैं। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और नरकों चौरासियों से तकलीफों से बचने के लिए, दोबारा इस मृत लोक में दुख के संसार में आने से बचने के लिए, इसी जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करना भी जरूरी है, मालिक तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो देखो प्रेमियों, जो गुरु महाराज काम करते थे वही काम उन्हीं के आदेश से मैं भी कर रहा हूँ। अपना कोई काम मैंने अभी शुरू नहीं किया, उन्हीं का काम अगर मैं पूरा कर लूँ तो फिर और कोई काम की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आप ये समझो, एक समय ऐसा था कि जिस चीज की आदमी इच्छा करता था वो इच्छा पूरी हो जाती थी। एक समय ऐसा था कि देखो किसान खेत को जोत करके चला आता था, बीज को डाल करके, जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। आप ये समझो कि सतयुग में एक बार लोग जोत करके खेत को बो करके चले आते थे, 27 बार काटते थे, कुछ नहीं करना पड़ता, प्रकृति करती थी। अब वो समय अगर आ जाए
तब तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो समय के आने में देर तो नहीं है, प्रेम में छुटकी में हो जाएगा, छुटकी बजाने में। जैसे जैसे आप ये भंडारा वगैरह चला लेती हो ना बच्चियों, अनाज निकालती हो को मालूम, सब तो नहीं निकालती, पहले तो सब निकालती थी। जितनी माताएं भोजन बनाने के लिए जाती थी, आटा बनाना हो रोटी तो चुटकी निकाल दें उसमें से एक चुटकी, चावल रख दें चावल बनाना हो, दाल बनाना हो दाल रख दें, सब के यहाँ ये नियम था। लेकिन अब कुछ लोग निकालती हो, ये भंडारा वगैरह जो चलता है जगह जगह पर, ये काम जो आपका हो रहा है, जैसे आपने लॉकडाउन में भंडारा चलाया, जगह जगह लोगों को खिलाया, बहुत लोगों को प्रेमियों ने खिलाया, तो ये काम चुटकी से ही हो गया। ऐसे ये चुटकी से ही परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए। लेकिन ये भी आपको याद दिला रहा हूँ कि जब युग बदलता है तो मरते बहुत, चेता जब जाने को हुआ तो देखो कितने मरे, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, यानी रावण के ही थे, 1,00,000 लड़के और 1,25,00,000 नाती उसके रावण के ही थे, और बाकी उनके लंका में कितने रहे होंगे। जब एक एक आदमी के इतने इतने पुत्र होते थे, इतने इतने नाती होते थे, सोचो कितना बड़ा उसका कुनबा रहा होगा। लेकिन एक नहीं बचा, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती और रावण घर दिया न बाती, कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया, लंका सब खत्म हो गया वहाँ। तो अब आप ये समझो जब चला तो सब खत्म। आप देखो 11 छोनी सेना 18 दिन के अंदर खत्म हो गई, जब युग बदलने को हुआ। 56 कोई और वंशी थे, कारण देखो क्या बना, दुर्भाषा का श्राप। आप इतिहास पढ़े होंगे, सुने होंगे, समय ज़्यादा बताने का नहीं है, तो उसमें वो खत्म हो गए। तो आप ये समझो मरते बहुत हैं युग परिवर्तन। अब आप ये समझ लो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सुसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, सब में लिखा हुआ है। गुरु महाराज जैसे बराबर कहते रहे कलयुग में सतयुग आएगा, ऐसे ही कलयुग में सतयुग आने का उसने सब में लिखा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों में जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें आपके हाथ नहीं लगती, पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, पुस्तकें तो पड़ी रह गई। कुछ युग का प्रभाव है, दीमक चढ़ जाए ग्रंथों को, ब्राह्मण पर तैयार तो आए बधिक हो जाए, क्षत्रियगण सूर्य सेवा से मुख मोड़े, तो यह समय का असर है प्रेम। तो आप समझो कि बड़े बड़े ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है, किताबों में, धार्मिक किताबों में, कि सतयुग आएगा। सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग देखने के लायक कोई रहा ही न जाए, सब मर जाए, तो सतयुग आने का मतलब क्या निकलेगा। इसलिए पहले सतयुग देखने के लायक लोगों को बनाया जाए। सतयुग जब आएगा, कोई एक भी मांसाहारी नहीं रहेगा, एक भी शराबी नहीं रहेगा, एक भी नशाखोर नहीं रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी मांस की दुकानें, मछली की, अंडे की, शराब की, सब बंद हो जाए। आप इस बात को समझो कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, और कर यह ध्यान करें भोपरानी, सतयुग में सब योगी ही विज्ञानी होंगे, सब यानी सब लोग बुद्धिमान होंगे, सब अच्छे ही लोग होंगे। तो अच्छा बनाओगे नहीं तो सतयुग देख नहीं पाएंगे, समझो कि ये खत्म हो जाएंगे। तो गुरु महाराज ये चाहते थे सतयुग आ जाए, लेकिन सतयुग के योग्य लोगों को बनाने में मेहनत करते रहे, और बराबर अन्य समय लोग के प्रयास उनका रहा जब तक वो रहे, मौजूद रहे। और गुरु महाराज का ही काम मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतयुग को देख लें। और नहीं तो शिव जी का काम क्या है, शंकर जी का, संहार करने का। तो वो तो संहार करने के लिए, मारने के लिए, अनेक तांडव करने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं, लेकिन प्रार्थना किया जा रहा है थोड़ा समय और दे दीजिए, थोड़ा मौका और दे दीजिए, कि जिससे लोगों को समझा लिया जाए, बता दिया जाए, कि जिससे लोग शत्रु को देख लें, अच्छे समय को देख लें। तो प्रेमियों आप ये समझो कि गुरु महाराज का ही काम किया जा रहा है। गुरु महाराज हाँ समझो वो पहले कह करके गए थे कि ये हमारे लिए कहे थे कि पुराणों की यह संभाल करेंगे, हमने को नामदान देंगे। तो पुराणों की संभाल की बात ही मैं करता हूँ, हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं। देखो ये जाति पांति, ये भाई भतीजा बात, और ये जाति बात, और ये कौम बात,
ये एरिया बात और ये आप समझो भाषा बात, ये किसने पैदा किया? आपने पैदा किया, भगवान ने तो ये बात बनाई नहीं, ये ऐसा किया नहीं था। मानव धर्म बनाया, मानव बनाया, इंसान बनाया, सबका हड्डी एक जैसा, सबका खून एक जैसा, सबका आँख कान अनिटट्टी पेशाब का रास्ता उसने बनाया। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है, तो जो भगवान को मानता, परमात्मा को मानता है, जानता है कि ये परमात्मा की अंश है, उस अंश को जो देखता है सबसे प्रेम करता है, उसके लिए कोई तफर्का नहीं होता, किसी न जाति का, न बाद का, न अन्य समझो एरिया का, न भाषा का, कुछ नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुपानी, मैं तो आप ये समझो प्रेमियों कि जो हमको दुश्मन मानते हैं या जो हमको न समझे में गाली भी देते हैं, हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं। आप ये समझो जो हमको गाली देते हैं, जो हमको आप ये समझो कि दुश्मन मानते हैं, उनके भी बच्चे आते हैं, उनको भी नामदान देते, उनके समझ में जिनके आ गया कि एक समय पर एक ही नामदान देने वाला होता है और आते हैं, उनको भी नामदान देते हैं, हम तो उनके भी समान का पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं प्रेमियों, क्योंकि हम आधा जो काम है वो काम हम कैसे छोड़ सकते हैं। जो स्थान हमारा है, जहाँ पर हमारे स्थान पर लोग रहे, उन्होंने जब मर्यादा को नहीं छोड़ा तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो हमारे लिए तो सब एक जैसे ही हैं। तो आप समझो प्रेमियों, नामदान सबको देता हूँ और सबके संभाल की बात करता हूँ, तो आपके संभाल की बात भी मैं करता हूँ। तो मोटी मोटी बात आपको बताऊँगा कि जिससे आपकी ये तकलीफें दूर हो जाएँ, ताकि भजन में ध्यान में मन लगने लग जाए। तो देखो, दो घंटे ढाई घंटे में तो बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, सत्संग के दो ढाई घंटे में सारी बातें नहीं बताई जा सकती। वो तो जब आप हमारे आश्रम पर आओगे उज्जैन, वहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं, दो तीन दिन का, चार दिन का कार्यक्रम जब हो तो दोनों समय सत्संग सुनने को मिलेगा, उस समय आओगे तो आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। लेकिन मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। देखो, ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये शाकाहारी भोजन के लिए मिला है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका खून जो रहता है वो शाकाहारी रहता है, और जो चीज़ आप खाते हो खून उसी का बनता है, तो जब मांस खा लेते हो खून उसका बन जाता है, तो इस शाकाहारी खून से तालमेल नहीं खाता है, और तालमेल नहीं खाता है तो आप देखो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। देखो डॉक्टर लोग, खून की कमी जब किसी को हो जाती है तो खून का जांच करते हैं चढ़ाने के लिए, तो कभी लड़के का खून नहीं मिलता, कभी भाई का खून नहीं मिलता है, जबकि खून एक ही है, एक ही रजवीर से दोनों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन खून नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक शाकाहारी और एक मांसाहारी हो जाता है। देखो आजकल लड़ाई झगड़ा ज़्यादा क्यों हो रहा है, खून कतल क्यों हो रहा है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से क्यों खत्म हो रही, इसलिए कि मांसाहारी लोग हो गए, शराबी हो गए, शराब के नशे में कुछ होश नहीं रहता है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। वो बोला ना शराबी, अकबर बादशाह जा रहे थे, सवारी देख कर बोला, ओ रोक हाथी, हाथी रोक, हाथी रोक, हाथी हाथी बेचेगा। अब उसको सिपाही पकड़ ले गए कि मार न दे, राजा कहते कि मरवा मार दो इसको। जब सुबह हुआ राजा बुलाया बादशाह और पूछा शराबी से कि तू मेरी हाथी खरीदेगा? बोल हाथी खरीदेगा? अरे कहा सरकार जान बख्शो, वो हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए, वो चले गए, वो जो सवारी किए थे उतर गए। सरकार उस समय हमको कुछ होश था कि हम कौन हैं और आप कौन हो? सरकार हम आपके सेवक हैं, जान बख्शो हमारी। तो आप समझो कि कोई होश नहीं रहता है, शराबी अपने बुआ का हाथ, चाची का हाथ, लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तो ये जो मांस और शराब है यही इस समय पर अपराध और भ्रष्टाचार का जड़ है, जननी है। आप ये समझो ये चीज अगर खत्म हो जाए तो पूरे विश्व में अभी 50% शांति आ जाए और अपराध भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो आप बंद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को समझा तो सकते हो,
आप अपने स्तर से इतने आदमी हो, अगर एक एक दिन में 10-10 आदमियों को समझाओ, 2 आदमी भी आपके बातों के असर में आ जाएं, छोड़ दें, तो कितने शाकाहारी हो जाएंगे। शाकाहारी हो जाएंगे तो जान बच जाएगी। नहीं, आपने अभी देखा कहाँ बीमारियों को, बीमारियां तो अभी आगे आएंगी, और ज़्यादातर बीमारियां मांसाहारियों को ही होंगी। अरे अभी आप चले जाओ नर्सिंग होम में, अस्पतालों में, और जो मरीज भर्ती हैं पूछो कि भाई तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो। ज़्यादातर मांसाहारी ही बताएंगे अपने को, मांसाहारी ही मिलेंगे। कोरोना रोग फैला, उसका अनुपात लगाओ, पूछो कितने इसमें शाकाहारी थे, कितने मांसाहारी थे, ज़्यादा मांसाहारी ही मिलेंगे आपको मरने वालों में। तो बीमारियाँ तकलीफें तो अभी आगे आएंगी। अभी आपने क्या देखा, ये तो ट्रेलर है सिनेमा का, पिक्चर तो अभी आगे चालू होगी, तो आप ये समझो बच जाएंगे। तो आप रोक तो नहीं सकते हो इनको, लेकिन समझा करके लोगों को बदल सकते हो खाने पीने से। तो आपके जितने लोग सुन रहे हो वो तो संकल्प बना ही लो कि अब आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, इस मानव मंदिर को गंदा नहीं करेंगे, इसको गंदा करके और उससे कोई भी पूजा उपासना यज्ञ जब तक करोगे तो मैं पक्की बात कह रहा हूँ कि उससे आपका ये क्षमा नहीं होगा जीव हत्या, और पापों की सजा आपको भोगनी पड़ेगी। आप समझ लो उस बात को कि मूर्ति की पूजा करके, फोटो की पूजा करके, और आप ये समझो कि जिसको आप नेक काम समझ करके कर रहे हो उसको करके मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता, कि जीवात्मा अंदर 84 से छुटकी पा जाए या जन्म ने मरने से छुटकी पा जाए। तो आप प्रेमियों देखो शाकाहारी रहना। देखो बच्चियों समझ लो, जो जानवरों को मारता है, काटता है और लाता है घर में, पकाता है मांस को, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अब घर में पाप नहीं आना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, पकना नहीं चाहिए, मांस आना नहीं चाहिए, यह संकल्प आप बना लो आज के दिन। देखो मांसाहार क्या करता है, खून में गर्मी लाता है, सब क्रोध बढ़ता है। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, 4 बैल बंद कर दो, बैल के लिए आप चारा डाल दो, खाएंगे रात भर आराम से बैठे रहेंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे निकल जाए। कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और नोचेंगे एक दूसरे को, सुबह देखोगे तो खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों, मांसाहारी, खून जल्दी गर्म हो जाता है, और जब खून गर्म होता है गर्मी आती है तभी गुस्सा आता है। तो आप ये समझो प्रेमियों, मांसाहार और ये शराब ये बहुत बुरी चीज है। मछली मत खाना, कहोगे अब मछली खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, मछली जल तरोई है, जल तरोई नहीं है, बहुत ही गंदी चीज है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है, फकार कर ठोक दो तालाब में, नदी में, आप टट्टी करके लैट्रिन जिसको कहते हो करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली तुरंत खा ले। कोई गाय बैल भैंस बह करके नदी के पानी में आ जाए तो मछली उसको खाए, जब मर जाती है पानी के ऊपर तैरती है तो गीड़ और कौवा खाते हैं। ये गीड़ और कौवा मछली खाने के लिए ही बनाए गए, कीड़े मकोड़ों को, सिर्फ को जिसके मर जाने से सड़न गलन बदबू से हवा दूषित हो जाती है उसको खाने के लिए बनाए गए हैं। आप समझो अब गीड़ और कौवों का भोजन मछली मत खाना। अंडा क्या है, विकल्प लोग खोजते हैं, गांजा नहीं पियेंगे तो भांग खाएंगे, शराब नहीं पियेंगे तो गांजा पियेंगे, कोई ना कुछ खोजते रहते। चलो ठीक है कोई बात नहीं, शंकर जी की बूटी पियेंगे, शंकर जी भी पीते थे, शंकर जी कभी गांजा भांग नहीं पिए, वो तो गंजेड़ी चिलम भरने के बाद बम बम बोल करके और शंकर जी को बदनाम कर दिया। शंकर जी छोड़ने वाले ऐसे लोगों को, देखना अभी क्या सजा देते हैं शंकर जी। तो प्रेमियों विकल्प मत खोजना कि अभी हम नहीं खाएंगे, तो लोग कहते हैं शाकाहारी है अंडा, अंडा शाकाहारी है तो शाकाहारी खाएंगे। और कोई शाकाहारी, मलमूत्र और खून शाकाहारी होता है। अरे टट्टी क्यों नहीं खाते हो,
अरे पेशाब क्यों नहीं पीते हो? डॉक्टर जो कहता है कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, उससे कहो कि मुर्गी का पेशाब पियोगे, मुर्गी की टट्टी खाओगे तो गाली देकर थप्पड़ मार कर भगाएगा। लेकिन ना जानकारी में कहता अंडा खाओ ताकत आएगी। अंडा है क्या चीज? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और इनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा मत खाना। और शराब में 1000 रुपये शराब मत दे। ऐसे नशे का सेवन प्रेमियों मत कर कि जिससे होश में न रह जाओ। बहुत से लोग शराब पिला करके, नशे की गोलियां खिला करके और रुपया पैसा निकाल ले जाते हैं। सादा कागज पर को नोट पर दस्तखत करा ले, जमीन जायदाद आनी समझो कि लिख देता। आप क्या करें, आत्महत्या कर लेता है, क्या बताएंगे, क्या करें। बड़ी घटनाएं इस समय घट रही, बहुत ही बुरी चीज है यह नशा, इससे दूर रहना प्रेम। तो देखो कहते हैं कम खाओ, बुढ़े लोग कहते हैं ना बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, बड़ी शिक्षा मिलती है बुजुर्गों से, बुढ़ों से। जवान लड़के ये जो फटा पैंट पहनते हैं ना और ये जो नेकर पहनती हैं बहुएं, ये बैठना नहीं पसंद करती। लेकिन जो जानकारी अनपढ़ सास को रहती है गृहस्थी की उनको नहीं रहती, बुढ़ों को जो जानकारी घर चलाने की रहती है उनको नहीं रहती, बैठना चाहिए। बुजुर्ग लोग कहते हैं कम खाओ और गम खाओ, बात सही है, कम खाओगे आराम से हजम हो जाएगा और नहीं तो तकलीफ होगी तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और एक बार ऑपरेशन करा लिया कोई गारंटी नहीं ठीक हो जाओ, दोबारा फिर ऑपरेशन, दोबारा फिर ऑपरेशन, थक गया आदमी ऑपरेशन कराते कराते। फिर डॉक्टर ने बता दिया, कहा डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद चैन लगा देना, बटन लगा देना, टांका मत लगाना, टांका काटना पड़ता है, पट्टी करानी पड़ती है, पक जाता है, और जब दोबारा आऊँ बस चैन खोल के ऑपरेशन कर दो। तो अब आप ये समझो 72,000 नशे हैं शरीर के अंदर, वही शरीर को चलाती हैं। और वो नशे जब कट जाती हैं तो जुड़ती नहीं है तो सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो जो खाओगे हजम हो जाएगा, जब तकलीफ नहीं होगी तो बैठ डॉक्टर के पास जाना क्यों पड़ेगा, ऑपरेशन करना क्यों पड़ेगा। संयम के साथ रहोगे, नियम का पालन करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नियम कैसे तोड़ देते हो, संयम को कैसे ख़त्म कर देते हो ये भी बता दो। कोई खा पी करके आया तो बढ़िया मिठाई ला के रख दो, कह दो खा लो, कहेगा नहीं नहीं दो, अरे ले लो ये कार, एक उठाएगा फिर खा जाएगा, दूसरा भी उठा के खा लेगा, देखो ना उसकी तरफ तो पूरा प्लेट खा जाएगा, साफ कर देगा पूरा। ये नहीं देखेगा चारा भूसा रखने की जगह है पेट, दबा के भर दो, ये खाने के लिए है। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज डाल दो, सूंघ के छोड़ देता है या उठा के ले जाता है, छिपा के रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है। आप समझो प्रभु 12 महीना में 1 महीना उसका कुआर काता है जब पगलाता है, और आदमी को हमेशा देखो पागलपन सवार है। संयम नियम का पालन बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि गम खाओ, गम खाओ मतलब बर्दाश्त कर लो, कोई जो बात कहे सुन लो तो झगड़ा झंझट से छुटकारा पा जाओगे। हाँ पे समझो जो काम यानी समझो शांति से हो जाता है झगड़ा झंझट से नहीं होता है, जो काम छोटा बन जाने से हो जाता है वो बड़ा काम से नहीं होता, जो काम तीर तलवार से नहीं होता है वो काम हाथ जोड़ने से हो जाता है। बुढ़ा बैठा रहता था, लड़के जाते थे तो जब खुश रहता था अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो एक दिन बुढ़े के पास पहुँचे, कुछ ने बोले तबीयत नरम थी, तो एक ने कहा तुम डर गया, कुछ नहीं बोल रहे। बोला हम किसी से नहीं डरते हैं, ऐसे कैसे नहीं डरते, बंदूक है भैया साहब के पास, मार देंगे गोली, डर गए तुम उनसे। कहता उनके पास
दो नली की बंदूक है, हमारे पास 10 नली की है। 10 नली की बंदूक कैसी होती है काका? न देखा न सुना, होती है, हमेशा रखता हूँ। तो दिखाओ दिखाओ, मर्द हो तो दिखाओ, तो 10 नली की बंदूक कहाँ है तुम्हारे पास? फिर छेड़ गया, कहते ना कोई सो रहा हो, देर देर से लाओ तो नहीं उठेगा, थोड़ा सा जैसे दबा दो, छुटकी काटना जिसको कहते, फट से उठ पड़ता है। ऐसे ही चिढ़ा दिया तो फिर बोला, कहा मौके पर दिखाते हैं। अरे तो आज ही दिखा दो काका, फिर अब हाथ पैर दबाने लगे। तब कहा अच्छा देखो, एक नली, दो नली, तीन नली, चार, पांच, पांच नली है और पांच नली है, 10 नली जब दिखाता हूँ जिसको वही सिर झुका देता, कहते छोटे बन जाओ सब क्या करने लग जाएंगे, रुपया पैसों में कैसे बरकत होगी? मोटी बात यह भी बता देता हूँ, लक्ष्मी को खुश करके लाओगे, मेहनत करके लाओगे, ईमानदारी से उनको लाओगे, तब रुक जाएंगे, तब कम कमाओगे और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे एक कमाता था पहले के समय में 10 बैठ कर खाते थे, अब 10 कमाते हैं नहीं पूरा पड़ता है, पूछो क्या हो गया, बोले बरकत छिन गई, बरकत खत्म हो गई, बरकत होती ही नहीं है। तो ये तो देखते नहीं कि मार के ला रहे, काट के ला रहे, दिल दुखा के ला रहे, किस तरह से ला रहे हैं, दूसरे को तकलीफ देकर ला रहे हैं, तो आप कहाँ से सुखी रहोगे? देखो मार करके लाट कूट करके लाता चोर, चोर के पास रुपया पैसा नहीं रहता। एक चोर से पूछा क्यों चोरी करता है, तू तो बहुत लूटा पाता, तो बोला जब रुपया होता तो चोरी क्यों करते, रुपया तो चले जाता है इसीलिए चोरी करते हैं। तो रुकते ही नहीं, लक्ष्मी जुआ में जीत के लाता है दूसरे दिन फिर आ जाता है, इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमी। तो ये तो बनाया लोक बनाने का तरीका, अब आपको बताऊँगा परलोक बनाने का तरीका, इसी मनुष्य शरीर में भगवान के दर्शन करने का तरीका, देवी देवताओं के दर्शन का तरीका, इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए स्वर्ग वैकुंठ अन्य लोकों में ब्रह्म पार ब्रह्म लोक सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोकों में जाने का रास्ता आपको बताऊंगा। गुरु महाराज का जो आदेश है कि इनको नामदान दे देना, नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, बड़ा कठिन काम है, लेकिन उन्होंने कहा नामदान देना आप शुरू कर दो, और नामदान अगर दे दोगे ये भजन करने लगेंगे और इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो इसलिए नामदान सबको देता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर गया जहाँ जल्दी कोई जाता नहीं, ऐसी जगहों पर जहाँ रास्ता ही ठीक से नहीं है जाने का, आके समझो कि वहाँ पर भी गया, बड़े बड़े शहरों में लाखों की भीड़ होती वहाँ भी नामदान देता हूँ, 15-16 देशों में गया, विदेश उसको कहते हो, वहाँ भी नामदान दिया, कमरे में बैठ जाते हैं लोग उनको भी नामदान दे देता हूँ, क्यों देता हूँ पता नहीं, कब इसकी आँख बंद हो जाए किसकी, तो कहाँ से वो अपना काम कर पाएगा, आज नहीं भी समझ पा रहा है कल समझ जाएगा करने लगेगा, और मान लो चला ही गया दुनिया से संसार से, मृत्यु ही हो गई तो मनुष्य शरीर तो खा जाए, तो आपको किसी को नहीं लौटाऊंगा, न उसके लिए घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, गृहस्थ आश्रम में ही रहो, तो आपके पास अच्छा खाओ अच्छा पहनो अच्छे घर में रहो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, जहाँ जिसके साथ आप बैठ करके खाते पीते हो वहीं खाओ, शाकाहारी भोजन वहीं खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं शादी ब्याह करो आप, हमारी तरफ से पूरी छूट है, पूरी छूट है हमारी तरफ, ये मत सोचना आप कि हमारा घर छुड़ा देंगे, बीवी बच्चे छुड़ा देंगे, हमको साधु बना देंगे, हम किसी को साधु नहीं बनाते हैं, हम सबको गृहस्थ आश्रम में ही रह करके भजन कराना चाहते हैं प्रेमी, और आप देखो हमारे यहाँ तो कोई जात पात का कोई चक्कर है ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया हमारे गुरु महाराज के पास भी नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी जाति छोड़ दो, जिस धर्म को मानते हो उसको छोड़ दो, ये भी हम नहीं कहते, जब आप इस मानव धर्म को समझ जाओगे तब तो सबसे अलग हो जाओगे, लेकिन जब तक आपके समझ में नहीं आता है तब तक आप रहो उसी में, जहाँ रहते हो वहीं रहो। अब आप ये समझो, आप ये कहोगे भाई आप तो दक्षिणा नहीं कुछ मांगे,
न दक्षिणा रखवाए। यहाँ बहुत से लोग लोटा डोटी लंगोटी पहले ही रखवा लेते हैं, दक्षिणा में लिख देते हैं तब मंत्र देंगे। जब ये सामान सब ले आओ तो दक्षिणा की भी मर्यादा को खत्म नहीं करना चाहता हूँ। दक्षिणा आप दे दो, देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। जो भी आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब बच्चे और बच्चियों मत करना, इसको आप यहीं छोड़ जाओ। और इस गलती के लिए उस मालिक से आप माफी मांग लो, यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।